अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मेवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मेवर। आज हम जो है चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 का, उसमें एक अहम टॉपिक है 1.5 केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आज हम ये देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है और दूसरा हम ये चेक करेंगे कि क्यों हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को और किस मेथड के जरिए हम नाइन्थ में करते हैं। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि जो नाइन्थ वाला मेथड है वो ही मेथड सारी उम्र चलेगा, लेकिन ये क्योंकि मेथड है वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये बता दूं कि केमिकल इक्वेशन ऐसी चीज को हम कहते हैं जिसमें हम किसी भी रिएक्शन को बताएं सैंपल्स के जरिए। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस रिएक्शन को अगर हम जस्टिफाई करें, एक्सप्लेन करें निशानियों के जरिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ जरा देखें, ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रही है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो उनको मिलाने के लिए ये जो हमने प्लस साइन लिखी है, तो ये तो प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ये हमने क्या किया है, इसको ज्वाइन क्या किया है, ज्वाइन किया, मिलाया। अब जो ये लेफ्ट साइड है, ये जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, याद रखें जो भी लेफ्ट साइड होगी उस दोनों को अगर हम कहेंगे तो उन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स, इनको हम नाम देंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और रिएक्टेंट्स आपस में मिले, और मिलने के बाद जो भी चीज बनेगी, वो हमारे राइट हैंड साइड पर होगी। तो जो राइट साइड पे जो भी चीज हमारे पास बन के हमारे पास आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट, उसके अलावा यहाँ पर ये जो एरो है, ये एरो हमारे पास सिंगल भी हो सकता है डबल। जैसे अगर सिंगल एरो है तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ गया, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल, यानी वाटर से फिर यहाँ हम नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन अगर दो एरो होते तो इसका मतलब ये होता कि हम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हम बना सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शन कैसा है। अगर रिएक्शन जो है वो सिर्फ इरिवर्सिबल है तो एक एरो, और रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है और रिवर्सिबल है तो हम दो एरो देंगे। रिवर्सिबल होगा तो हम कितने एरो देंगे, दो एरो देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शन कैसा है। उसके अलावा यहाँ देखें कि यहाँ है जी, यहाँ भी जी है, यहाँ एल है और नीचे एस है, नीचे क्या है, ऐसे। इनका मतलब यह होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जी है, जहां भी जी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, गैस, ये हमारे पास क्या है, गैस। कोई भी केमिकल हो, एलिमेंट हो, अगर उसके साथ जी लिखा हुआ होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास है गैस। लेकिन अगर उसी के साथ एल लिखा हो तो एल हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड। बेटर की जो तीन स्टेट्स है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा भी है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ गैस, लिक्विड और सॉलिड को करेंगे। तो G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड और S हो तो S का मतलब है सॉलिड, S का मतलब क्या है, सॉलिड। ठीक है जी, और एक और रिएक्शन में, यानी कि हमारे पास सैंपल होती है जिसका नाम होता है एक्यूस, यानी एक्यू, इसका मतलब यह है कि एक्यूस सॉल्यूशन है। जैसे हमने क्या किया कि पानी उठाया और पानी में अगर हमने नमक घोल दिया तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूस सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, एक्यूस सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूस सॉल्यूशन। तो हमारे पास गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और एक्यूस सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये तीनों चीजें जो है वो हमारे पास है। उसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, जैसे कि हम जो है उसको लिखेंगे हीट। अगर हमने हीट उसको दिया है, यानी किसी भी रिएक्शन को अगर हमने गर्म किया तो हम गर्म करने के लिए इस तरह भी साइन दे सकते हैं कि हमने उसको जो है हीट अप किया है, हमने उसको क्या दिया, हीट दिए। या हम कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं
जो रिएक्शन को क्या करेंगे कि रिएक्शन को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे जल्दी, रिएक्शन को क्या करेंगे जल्दी स्टार्ट करेंगे, यानी जिस रिएक्शन को अगर यहाँ से रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनाना हो जल्दी बनाना हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट, क्या इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट। तो ज्यादातर हम ये इस्तेमाल करते हैं, निकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, इस तरह हम ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, कोबाल इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या है निकल कैटलिस्ट है जो हम डी ब्लॉक में इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं डी ब्लॉक में इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया जो है हमारे पास जो है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं। बीच में अगर प्लस आए तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिक्स हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, और एल आ जाए तो लिक्विड कहेंगे, जी आ जाए तो गैस कहेंगे, एस आ जाए तो सॉलिड कहेंगे, ए क्यू आ जाए तो अक्यूस कहेंगे। इसी तरह अगर कैटलिस्ट होगा जैसे ये रिएक्शन को और तेज करेगा, इसी तरह हम जो है हीट को भी शो कर सकते हैं कि इसमें हमने हीट इस्तेमाल। अब आ जाए कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का आप ऐसे मिसाल ले लें, जिस तरह हम तराजू लेते हैं तो तराजू में क्या होता है कि एक पलड़ा और दूसरा पलड़ा दोनों बराबर होते हैं, दोनों पलड़े तराजू में क्या होते हैं बराबर होते हैं। या अगर मैं एक और मिसाल दे कि हम जो है वो गेम खेलते हैं कोई भी गेम, जिस तरह बचपन में हमने गोटिया के लिए बिलो जिसको हम कहते हैं, अगर वो गेम आपने खेली होगी तो हम दोनों क्या करते हैं बराबर बराबर सबको जो है वो बराबर बराबर जो है वो हम बांटते हैं। इसी तरह और भी गेमें हैं जिनमें हम चीजों को क्या करते हैं बराबर बराबर तकसीम करते हैं। तो आप ऐसे समझिए केमिकल जो है बैलेंसिंग केमिकल जो है उसमें हम क्या करेंगे कि चीजों को बराबर जो है वो हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे, हम चीजों को क्या करेंगे बराबर तकसीम करेंगे। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे वो आप जरा देख लें कि हम क्या करेंगे कि ये जो साइड है प्रोडक्ट वाली और ये जो साइड है रिएक्टेंट वाली दोनों की वैल्यू बराबर, दोनों का तादाद क्या हो बराबर हो, जिस तरह हम मुकाबला करते हैं तो उनमें भी हम दो बराबर लोगों को ही जो लड़वाते हैं। या इसी तरह अगर डिविजन होती है, अगर विरासत होती है, तकसीम होती है, तो हम सबको बराबर बराबर चीजें देते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो हम बैलेंस इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम जो है फॉलो करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हम फॉलो करते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हमें ये पढ़ा हुआ है कि मास जो है वो नाइदर क्रिएटेड होता है और ना डिस्ट्रॉयड होता है, तो सारी चीजें क्या होंगी बराबर। अब आइए हम इसको करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है पहली, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कि यहाँ पर जो है वो केमिकल इक्वेशन कैसे किसे कहते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो बार बार याद हो जाए। जैसे ये है हमारे पास 2H2, ये 2H2 जो है ये है हमारे पास गैस, ये हमारे पास क्या है गैस, गैस का मतलब है जी, जी जब भी होगा तो उसका मतलब होगा गैस के, और यहाँ पर है O2, तो यहाँ पर O2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है गैस, ये हमारे पास क्या है गैस। एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि अगर इन रकमों के साथ यहाँ पर देखें ये नंबर आ गया, ये क्या है नंबर आ गया, इस नंबर को हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट, इस नंबर को हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ कोई नंबर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कोफिशिएंट, ये इनका क्या है कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर है 2H2, यहाँ पर है O2, अब यहाँ देखें यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ पर क्या है H2O। अब सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ पर जो हमने सीखेंगे 9th क्लास में वो है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का क्या है कि हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि कितनी है, जितनी वैल्यू होगी अगर वहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी उतनी वैल्यू है तो वो बराबर होगा, वरना हम उसको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन के ये है 2, ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं 2, तो 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पर 4, कितने एटम हैं 4, हम लिखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 4 है। ऑक्सीजन की देखें तो कितनी है, ऑक्सीजन की है 2, ऑक्सीजन की क्या है 2। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 2, और ऑक्सीजन की वैल्यू देखें कि कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो आप देखेंगे कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है,
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन के चार हो और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने हो, दो, तभी ये बैलेंस होगा। अब बैलेंस करने के लिए एक चीज आप याद रखें कि हम नंबर लगाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन कहाँ लगाएंगे, यहाँ, ये जो चीज है यहाँ, यहाँ मेरे नंबर लगा होगा तो यहाँ तो नहीं लगा सकते, यहाँ नंबर लगा सकते और यहाँ भी नंबर लगा सकते, ये जो चीज है आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ हम नंबर लगा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ। अब देखें क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो करने हैं हाइड्रोजन को भी बैलेंस और जो है ऑक्सीजन को भी बैलेंस, हम क्या करेंगे, ये जो है H2, ये जो H2 है यहाँ किसी जगह पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ लिखूंगा दो, कितने लिखूंगा दो, अगर मैं इसको दो लिख दूं, अब मैं इसको क्या लिखूं दो, अब ये याद रखें कि यहाँ चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो, यहाँ तो दो है ना, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, यहाँ चाहे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके एलिमेंट्स में दो होगा, सबका एलिमेंट क्या हो जाएगा दो, इसका मतलब है ये दो हाइड्रोजन का भी है, ये दो किसका है ऑक्सीजन का भी, तो ऑक्सीजन के तो दो हो गए, ऑक्सीजन के तो दो हो गए, यहाँ आ जाए दो को दो के साथ गर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा चार, इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ हम H2O के साथ दो लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी बैलेंस, ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी बैलेंस, बात समझ आई सबको, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और किस मेथड के थ्रू हमने किया है, इसका नाम है इंस्पेक्शन मेथड, क्या नाम है इसका, इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। अब इसी तरह हम ये सारे करेंगे, तो ये पहला हो गया, अब मैं इसको मिटाता हूँ ताकि हम जो है बारी बारी एक एक चीज करें, आप भी देखते जाए समझते जाए, इंशाल्लाह जहां समझ नहीं आए तो आप पूछेंगे, तो ये हमने पहला कर दिया, ये हमने कर दिया, तो मैं क्योंकि सबको मिटाता हूँ ताकि बारी बारी हम एक एक करें, तो इसको हम मिटाएंगे, तो ये हमारा हो भी गया, ठीक है, यहाँ से ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं क्योंकि ये हो गए, इसको भी हम मिटाते हैं क्योंकि ये भी हो चुका है। अब हमारे जो आगे दूसरा जो हमारे पास है एग्जांपल वो ये है KCLO3, यहाँ पर लिखा है S, S का मतलब क्या है सॉलिड, S का क्या मतलब है सॉलिड, S का क्या मतलब है सॉलिड, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि हमारी रिपीटेशन हो जाए जो हमने अभी पढ़ा केमिकल इक्वेशन। और ये है हमारे पास लेफ्ट साइड पर, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड पर, जो भी चीज लेफ्ट साइड पे होगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, उसका नाम क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है राइट साइड पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। और बीच में ये जो एडिशन है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या है ज्वाइंड है, क्या है मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ पर है एस, तो एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब होगा सारे आगे नाम लिखा हुआ है। और जी का मतलब क्या होगा भाई गैस, जी का मतलब क्या होगा गैस। और एरो का मतलब ये है कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर दो ये एरो होते तो इसका मतलब ये इस तरह होगा, ये रिएक्शन यहाँ भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, और क्या आ रहा है वापस। तो रिएक्शन दो किस्म के होंगे, एक होता है रिवर्सेबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, अगर दो एरो होंगे तो रिवर्सेबल, अगर एक एरो होगा तो इरिवर्सिबल। अब आइए इस सिचुएशन को बैलेंस कर दें, यानी इस नंबर 2 को, ये मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, KClO3 KCl और O2। अब यहां हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो यहां कुछ जो है स्टेप काटते हैं, लेकिन तरीका वही है। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कि ये है K, K मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम का यहां कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, पोटेशियम यहां पर क्या है 1। यहां आ जाए जो प्रोडक्ट वाली साइड पर, तो यहाँ पर भी देखेंगे पोटेशियम की वैल्यू क्या है एक, ठीक है। अब यहाँ आ जाए ये Cl, Cl का मतलब है क्लोरीन, Cl का क्या मतलब है क्लोरीन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है क्लोरीन और ये हमारे पास क्या है पोटेशियम, ठीक है। तो अगर पोटेशियम की वैल्यू एक है तो क्लोरीन की वैल्यू भी क्या है एक, यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी क्लोरीन की वैल्यू क्या है एक, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ, यहाँ पर है O3, यहाँ पर क्या है O3, तो O यानी ऑक्सीजन, O का मतलब क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं जी, ऑक्सीजन के एटम है 3, यहाँ आ जाओ तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2। अब देखें कि A तो बराबर है, Cl भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं, ऑक्सीजन बराबर
नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि मसला कहां पर है, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन को यहां पर जो है वो बराबर करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहां पर हम ज़र्ब दे सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, ज़र्ब देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, ज़र्ब। तो जरा देखें कि हम ज़र्ब किस तरह देंगे, आप देखें यहां कि ये जो है ये है KCl, ये क्या है KCl, अगर मैं यहां लिखूं दो, यहां लिखूं कितने, दो, तो KCl के कितने हो जाएंगे, दो, KCl के कितने हो जाएंगे, दो, ठीक है। यहां लिखने में देखा था, अगर मैं यहां लिखूं 2 KClO3, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी चीज हम लिखेंगे इस साइड पर लिख सकते, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम के कितने हो जाएंगे, दो, ठीक हो गया, पोटेशियम के कितने भाई, दो, ठीक, क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे, दो, और ये ज़र्ब होंगे, ये आपस में ज़र्ब होंगे, मैंने पहले ही बताया कि ये जो दो है वो इन तीनों एलिमेंट्स का है, वो इन तीनों एलिमेंट्स का है, तो दो को हम किसके साथ ज़र्ब करेंगे, तीन के साथ, दो को हम किसके साथ ज़र्ब करेंगे, तीन के साथ, ऑक्सीजन के कितने होंगे, छह, ठीक हो गया। अब आ जाओ यहां, ये है KCl, ये क्या है KCl, अगर मैं यहां भी दो लिखूं, क्या लिख दूं, तो लिख सकता हूं, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि यहां हम दो लिख सकते हैं, ठीक है, दो भी लिख सकते हैं, तीन, जितना भी नंबर लिखे, लेकिन हो बराबर, हो क्या बराबर, तो यहां भी अगर मैं दो लिखूं तो K की वैल्यू भी दो हो जाएगी और Cl क्लोरीन की वैल्यू भी दो, तो ये तो बराबर हो गए। अब आ जाओ यहां O2, ये है O2, अगर यहां मैं लिख दूं तीन, कितने लिखूं, तीन, तो तीन को दो के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना होगा, छह, तो ये इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर मैंने तीन लिखा तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या आ गई, छह, तो अब देखें कि ये तीनों बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये जो इक्वेशन हमने बनाई, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या नाम है इसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या नाम है इसका, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई ये समझ आया कि नहीं आया, समझ आया सबको, ठीक है, तो अब हम इसका तीसरा कर लें, ये हमने दूसरा कर लिया, अब हम इसका तीसरा करेंगे, ये तीसरी जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको भी हम करेंगे, तो इसको मैं मिटाता हूं, होपफुली आपको समझ आया है, तो तीसरा हम करते हैं, तो ये हम मिटाएंगे, तो आज हम इसके सारे करेंगे ताकि अच्छे से हमें ये बात समझ आ जाए, तो ये हमारे पास अब तीसरी जो है इक्वेशन है, उसको देखते हैं, ये मैंने लिखे हैं ताकि सारी इक्वेशन हम यहां पर एग्जाम वाले कर लें, इनमें से ही हमारा एग्जाम आएगा, यहां देखें, अब यहां पर है Ca, Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम, Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम की वैल्यू यहां पर कितनी है, कैल्शियम की वैल्यू यहां पर क्या है भाई, 1, कैल्शियम की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, फिर है C, C का मतलब है कार्बन, कार्बन की वैल्यू कितनी है यहां पर, अगेन 1, ठीक है, आ जाओ ऑक्सीजन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3, तो O ऑक्सीजन अभी हमने लिखा था, तो उसकी वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1, और फिर है क्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, तो उसकी वैल्यू भी क्या है, 1, तो ये हमने क्या कर दिए, रिएक्टेंट वाले, मैंने पहले ही बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, ये हमारे पास कौन सी साइड है, रिएक्टेंट, ये वैसे लिखना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये रिएक्टेंट है और ये जो प्लस है ये आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद ये चीज आपको बनाकर देंगे, फिर अगर हम इनको मिलाएंगे तो वगैरह वगैरह और चीजें, यहां है, यहां पर है कैल्शियम, यहां पर क्या है भाई, कैल्शियम, तो आप देखें कि यहां पर कैल्शियम 1 है, यहां पर कैल्शियम क्या है, 1, अब यहां आप देखिए यह है कार्बन, यहां पर कार्बन की वैल्यू भी क्या है, 1, तो कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1, ठीक है, फिर यहां हमने ऑक्सीजन लिखा है, तो यहां देखें एक ऑक्सीजन ये है और दो ऑक्सीजन ये है, ठीक है, जितने भी ऑक्सीजन होंगे यहां 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 सब को ऐड करेंगे, सिर्फ एक को नहीं, सब, तो ये दो है और ये एक है, तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है, अब आ जाओ यहां, यहां पर जो है वो है हाइड्रोजन, कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक हो गया, और क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हैं, 2, क्लोरीन में कितने हैं, 2, इसका मतलब है कि यहां पर कौन-कौन सी चीजें बैलेंस है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनको बैलेंस करना है, इनको क्या करना है, बैलेंस करना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक नंबर लिखे कहां पर भी,
तो ये क्या होता है बैलेंस। अब देखें कि किस चीज को बैलेंस करना है HCl को, किस चीज को बैलेंस करना है HCl को, और करने कितने हैं दो, कितने करने हैं दो। तो देखिए मैं बैलेंस कर देता हूं, CaCO3 और HCl है, यहां से क्या लिखेंगे हम दो, HCl के सामने हमने क्या लिखा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गई बैलेंस हो गई, ये क्या हो गई बैलेंस। बाकी में से क्या बचा Cl, Cl2, H2O और CO2। तो अब ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है, अब ये क्या है इक्वेशन बैलेंस। ये समझ आया, ये समझ आया सबको। सिर्फ हमने क्या किया कि हमें HCl को बैलेंस करना था, तो सिर्फ यहां हमने क्या लगाया दो, दो लगाने से बाकी सब का सब बैलेंस हो गया। तो हम लिखेंगे ये क्या है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने देखना है भाई किसके थ्रू इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। अब ये यहां पर जो 1 था अब वो भी क्या हो गया HB2 हो गया, CLB2 हो गया, यहां पर भी H2 था पहले और CLB2, तो ये समझ आ गया ठीक है। अब यहां पर हमारे बुक के आखिर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है सेक्शन डी, न्यूमेरिकल्स लिखे हुए, उनका पहला सवाल है कि भाई हमें ए बी सी डी ई पांच इक्वेशन दी है, उनको वो कहता है कि भाई आप इनको करें बैलेंस, क्या करें बैलेंस, और किस मेथड के थ्रू इंस्पेक्शन मेथड। याद रखें ये मेथड तब कारगर होगा जब हमारे पास रिएक्टर 2, 3, 4 या 5 हो, लेकिन अगर 50 के ऊपर रिएक्टेंट हो तब हम इंस्पेक्शन मेथड नहीं इस्तेमाल करते, कुछ बोल करें ठीक है, वो आप सीखेंगे फर्स्ट ईयर की क्लास में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या सीखेंगे इंस्पेक्शन मेथड। तो आइए पहला जो हम करते हैं जो है हमारे पास ए, उसको हम बैलेंस करते हैं ठीक है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास हो गया, अब हम ए को बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे मेरे हम देखेंगे किस चीज में, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ देखें कि पहला हमारे पास क्या है NH3 है अमोनिया, ये जो A है NH3 है ठीक है जी, प्लस हमारे पास क्या है O2 ठीक है, और यहाँ आ जाए NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या वाटर। अब आइए जरा हम देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस हम क्यों करते हैं Due to law of conservation mass, ठीक है? क्यों हम बैलेंस करते हैं? तो कोई भी आपसे पूछे तो हम बताएं क्यों बैलेंस करते हैं? Law of conservation of mass. Law of conservation of mass की वजह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि मास neither created हो सकता है ना destroy, ना ही हम मास को बना सकते हैं ना ही हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है n, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 एटम, तो यहाँ पर भी n है इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 एटम ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 3, यही है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास है 3 एटम, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 2, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 3 ठीक है। अब आ जाओ ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 2। अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों को काउंट करें, दोनों को ए को नहीं, तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब यहाँ पर मसला सिर्फ किस में आ रहा है, मसला आ रहा है हाइड्रोजन में, इसमें आ रहा है हाइड्रोजन में, यानी हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है, ऐसे हमने इसको करना है कि हाइड्रोजन में क्या हो जाए बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन में क्या हो जाए बैलेंस हो जाए। जैसे ये है NH3, ये क्या है भाई NH3 है, तो हमें हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को हमें क्या करना है बैलेंस करना है, तो किस तरह करेंगे आइए जरा। अगर मैं लिख दूं 2, क्या लिख दूं भाई 2NH3 तो लिख सकता हूं, तो 2NH3 का मतलब कि N कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 3, 2 + 3 मैंने पहले ही बताया कि ये जो 2 है वो इन 3 का भी है और अगले एलिमेंट हाइड्रोजन का भी है, तो 2 + 3 तो हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ठीक हो गया। अब आ जाओ यहां, अब यहाँ हमने हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी कर दी 6, कितनी कर दी 6, तो यहाँ H2O है तो H2O, तो H के कितने हैं 2, अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं तो अब H के कितने हो जाएंगे, H के कितने 6, H के कितने 6, देखें 3 को 2 के साथ ज़रा करेंगे, 3 को 2 के साथ ज़रा करेंगे तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। यहाँ पर क्या है N को, यहाँ पर क्या है
एन को, यहाँ पर क्या है भाई एन को। अब जरा देखें आप कि आपने हाइड्रोजन को तो 6 कर दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गया, लेकिन एन की वैल्यू कितनी हो गई 1। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 2। तो अगर मैं यहाँ लगा दूं तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 2, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पर एन की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी 2। समझ आई? अच्छा, यहाँ पर हमने O2 नहीं लिखा, O2 भी हम लिखेंगे, O2 है ना भाई यहाँ पर, तो प्लस हम लिखेंगे O2, प्लस हम क्या लिखेंगे O2, ठीक है। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई 2, समझ आया, N की वैल्यू 2 और हाइड्रोजन की वैल्यू 6, लेकिन ऑक्सीजन देखें ये कितनी हो गई 2 और ये कितनी हो गई 3। बात समझ आई? ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 5, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 5, यानी अब मसाला किसके साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पहले 2 थी, लेकिन अब क्या है 2 यहां हो गई और 3 यहां, 2 यहां और 3 यहां, तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहां हो गई 5 और यहां ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अब कैसे करोगे, यानी अब तो हमने इसको भी बैलेंस करना है, क्या करना है इसको भी बैलेंस करना है, तो हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिससे ऑक्सीजन का मसला जो है वो हल हो जाए। ऑक्सीजन का क्या हो जाए मसला, हल हो जाए। जैसे देखें कि अगर मैं यहाँ लिखूं 4, क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं भाई 4, कितने मैंने लिखे 4, कितने लिखे मैंने 4, तो 4 को अगर हम 2 के साथ रद्द करेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 4 ये और 2 ये, तो कितनी हो जाएगी 4 और 2 कितनी 6, 4 और 2 कितनी 6 और नाइट्रोजन की तो वैसे ही 2 है। अब आ जाओ यहां, यहां अगर मैं लिखूं 3, कितने लिखूं 3, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, लेकिन अब हमने हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी करनी है 8, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी करनी है 8, तो कैसे करोगे 8, कैसे करोगे अब 8 किस तरह करोगे भाई, देखो अगर मुझे हाइड्रोजन की वैल्यू 8 करनी है तो यहां पर मैं 4 लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12, इसका मतलब है 2 भी नहीं चला 4 भी नहीं चला, 4 हम करेंगे, तो इसको हम दोबारा करके हम आपको दिखा देंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, वहां पर आते हैं, ठीक है, हम इनको बैलेंस करेंगे। पहले हमने क्या लिखा NH3, क्या लिखेंगे भाई NH3, फिर हम क्या लिखेंगे O2, क्या लिखेंगे O2, यहाँ पर NO, यहाँ पर क्या भाई NO, फिर यहाँ पर क्या H2O, H2O, सबसे पहले आप देखें ये है 3, ये क्या है 3 है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 4, कितने लिखूं कितने लिखूं भाई 4, तो कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के 4, नाइट्रोजन के कितने 4 और हाइड्रोजन के कितने 12, हाइड्रोजन के कितने 12, यही होगा नाइट्रोजन के 4 और हाइड्रोजन के कितने 12। अब यहां आ जाओ, यहां लिखो 4, कितने तो नाइट्रोजन के कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के कितने 4 और यहां लिखो 6, यहां कितने लिखो 6, तो हाइड्रोजन के भी कितने 6 को 2 के साथ करोगे तो 12, कितने 12। अब ऑक्सीजन के भी हो, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितने हैं 6, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो कितने लगाओगे 5, जब 5 लगाओगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 10। भाई अब समझ आया, अब समझ आया, देखिए हम पहले 2 के साथ करेंगे अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, फिर 3 के साथ करेंगे अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, फिर 4 के साथ करेंगे अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ हमने नाइट्रोजन के कितने ऐड किए 4 और यहाँ भी नाइट्रोजन के कितने ऐड किए 4 और हाइड्रोजन के कितने ऐड किए 6,
फिर हमने ऑक्सीजन के साथ कितना कोएफिशिएंट लगाया, 5, तब जाकर ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैंने इसकी इसको इसमें बेस ले किया 2 के साथ 3 के साथ फिर वगैरह वगैरह, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 से इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, 3 के साथ भी तो फिर 4 के फिर 5 इसी तरह। तो ये समझ आ गया पक्का, ठीक है। तो अब जो है वो हम जो है करते हैं, यही ए हो गया, अब हम क्या करेंगे बी को, तो ये ए हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, ए हमने कर लिया, अब आ जाए बी को हम करते हैं। यहां से बिठाऊंगा, अब आ जाएंगे बी के ऊपर, किसके ऊपर भाई, बी के ऊपर। तो देखें बी को हम किस तरह जो है वो करते हैं, नंबर बी, ठीक है। तो बी देखें, तो बी हमारे पास क्या है, के एन ओ थ्री, क्या है भाई, KNO3 KNO2 और O2 ठीक है ये हमारे पास तो अब इसको भी हमने क्या करना है बैलेंस क्योंकि कोफिशिएंट कोई नहीं है तो पोटेशियम की वैल्यू क्या है 1 क्योंकि कोफिशिएंट कोई नहीं है तो पोटेशियम की वैल्यू क्या होगी 1 नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है 1 एन मतलब नाइट्रोजन तो उसकी वैल्यू थी 1 लेकिन ऑक्सीजन के 2 ये है 2 ये है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 4, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 4। आई बात समझ में, यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 4 है, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 3। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई 2, क्या लगाएंगे 2, आइए 2 लगाते हैं 2 KNO3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू अब क्या हो गई 2, नाइट्रोजन की वैल्यू भी क्या हो गई 2, लेकिन ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी 6, 2 को 3 के साथ ज़रा करेंगे तो 6। अब यहाँ आ जाए तो यहाँ हमारे पास क्या है KNO2 और O2, तो यहाँ पर हम सिर्फ इधर इस जगह पर यहाँ K के साथ क्या लगाएंगे 2, K के साथ क्या लगाएंगे 2, क्योंकि K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, नाइट्रोजन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2, 2 ज़रा 2 कितने हो जाएंगे 4, 4 में 2 ऑक्सीजन के ये ऐड करोगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो आप देखेंगे दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं है। जब दोनों तरफ बैलेंस है तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई सवाल तो नहीं है इसमें, समझ आ गई, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किया हमने कुछ नहीं, सिर्फ हमने क्या किया कि 2 ऐड किए, क्या किए 2 यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ और यहाँ पर भी 2 हमने लगा दिए तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो कभी कभी एक नंबर के साथ कभी 2 नंबरों के साथ लगाने से बैलेंस होती है, तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतने सवाल आप होते जाएंगे। अब हम तीसरा करते हैं, आप जरा उसको भी देखेंगे, सी जो है वो हम करेंगे। तो देखें सी हम किस तरह करते हैं, सी जो है वो हमारे पास है CaH2O, Ca यानी कैल्शियम, साथ में वाटर है और यहां पर है CaOH2+H2+ क्या H2। अगेन इनका लाइन जरा हिसाब करें कि यहां पर कैल्शियम का वैल्यू कितना है 1, कैल्शियम की वैल्यू कितनी है 1, चलो हाइड्रोजन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी 2, क्योंकि 2 लिखे हमने, अच्छा जी ऑक्सीजन की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 1, शाबाश जबरदस्त। यहां है यहां कैल्शियम की वैल्यू कितनी है 1, जबरदस्त, तो कैल्शियम की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, ये 2 जो है इसके लिए है इसके लिए है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी 2, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होगी 2, हाइड्रोजन के 2 ये और 2 ये तो कितने होंगे 4, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी 4। तो इसका मतलब है कि हमारे साथ अब जो है हाइड्रोजन और जो है हमारे पास और क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, ये बैलेंस नहीं है, ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है ना ही ऑक्सीजन, ये है ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है और ना ही ऑक्सीजन,
तो इनको बैलेंस करने का तरीका ये है कि यहाँ से दो लगा देंगे, यहाँ अगर दो हो जाएगा तो हाइड्रोजन के कितने, चार, और ऑक्सीजन के भी कितने, दो। तो हम क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, टू एच टू ओ सी ए ओ एच टू और एच टू। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो दो है और दो जरा दो कितने, चार, और ऑक्सीजन क्या भी दो, ऑक्सीजन में भी दो। तो इसका मतलब अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, क्योंकि अब यहाँ पर हाइड्रोजन के भी चार है और ऑक्सीजन के भी दो। तो यहाँ तो पहले ही हाइड्रोजन के चार थे और ऑक्सीजन के क्या है दो। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही आसानी, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है ना। हमने क्या करना है कि दोनों साइडों को क्या करना है, बराबर। तो हम ये अपनी ज्यादा जिंदगी में भी चीजों को क्या करते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। इस तरह अगर साइकिल का टायर है तो उसमें हवा बराबर रखते हैं ताकि गिराए ना, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, वजन भी हम उठाते हैं दोनों तरफ तो बराबर उठाते हैं ताकि हम गिरे ना, जिम वगैरह अगर आप करते होंगे तो ये बात समझ आ गई। चलो जी, अब हमारे पास बाकी जो है तो उनको हम खत्म कर रहे हैं, डी और ई, डी और ई को कोई भी बात समझ ना आए तो आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं। तो डी देखे, NaCO3, ये हमारे पास क्या है भाई, NaHCO3, यहाँ क्या है Na2CO3, H2O और CO, ठीक है। अगेन इसको भी जरा देखते हैं कि किस तरह हम करेंगे बैलेंस। यहाँ Na की वैल्यू है 1, Na की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 1, कार्बन की वैल्यू 1, शाबाश, ऑक्सीजन की वैल्यू 3, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी 3, क्या आ रहा है, Na की वैल्यू कितनी है, यानी सोडियम, Na का मतलब क्या है सोडियम, Na का मतलब क्या है सोडियम, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और कार्बन की वैल्यू कितनी है, कार्बन देखें एक कार्बन यहाँ है एक कार्बन यहाँ है, तो कितनी होगी कार्बन की वैल्यू, 2, 2 है कार्बन की, एक ही है एक ही है, तो कितनी हुई 2, तो कार्बन की वैल्यू 2, ऑक्सीजन की देखें 3 ये 4 और 2 ये, तो कितनी हुई 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन की वैल्यू है 6, और बाकी क्या बचा कार्बन, तो कार्बन की वैल्यू आप देखेंगे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू देखें 2 है, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब ये है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन, ठीक हो गया, दो सोडियम, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन के कितने, 6, ऑक्सीजन कितने, तो यहां अगर मैं दो लगा दूं, यहां क्या लगा दूं, तो सारे बैलेंस तो क्या हो जाएंगे, सारे बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या 2NaHCO3 ये वैसे का वैसा, ये क्या भाई वैसे का वैसा, Na2 CO3, H2O और CO2। तो यहाँ देखें अब सोडियम में कितने हो गए 2, ठीक है जी, हाइड्रोजन में कितने हो गए 2, कार्बन के कितने हो गए 2, 2 को 3 के साथ जरा करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने 6। तो आप देखें कि यही प्रोडक्ट के ऊपर यही है ना, तो हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर 2 लगा दिए, बहुत ही आसान। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हमारे पास आखिरी रह गया है जिसको हमने करना है, वो क्या है, CO2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना है। इसको मैं मिटाकर ये करके दिखाता हूं आपको, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ये हर साल आता भी है एग्जाम में, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हर साल आएगा, कोई भी 5 आपको दे देगा कि ये इक्वेशंस है और इनको क्या करके दिखाए बैलेंस। जैसे यहां है कार्बन मोनोऑक्साइड O2 और CO2, ठीक है, तो इसको भी देख लें क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, कार्बन की वैल्यू है 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 1 ये है और 2 ये, तो कितनी हो गई 3। यहां देखेंगे कार्बन की वैल्यू 1 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका मतलब है कि मसला किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, मसला किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर मुझे इनको बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगा, CO वैसे का वैसा, O2 वैसे का वैसा, CO2 भी वैसे का वैसा, ठीक है। यहां मैं क्या कर दूंगा, यहां मैं लगा दूंगा 2, यहां मैंने क्या कर दिया
दो, तो कार्बन के कितने हो गए? दो, ऑक्सीजन के चार, ठीक है, ऑक्सीजन के चार, दो तरफ दो चार, तो कार्बन के दो, ऑक्सीजन के कितने? चार, और दो मैंने यहाँ लगा, दो मैंने, तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन के कितने हो गए? दो, ऑक्सीजन के दो ये और दो ये, ठीक है, ऑक्सीजन के दो ये है और दो क्या है ये, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? चार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इक्वेशन हमने क्या कर दी? बैलेंस। ये भी हमने इक्वेशन क्या कर दी? बैलेंस, क्योंकि दोनों तरफ आप देखेंगे ये में खूबसूरत नहीं हो गया, लाइट आ गई, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? चार। ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? चार। तो ये बात समझ आ गई आपको, बहुत ही आसान है। कहां पर एक वैल्यू हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करना आपको पता हो कि यहां ऐड कर सकते हैं, जहां पर नंबर नहीं हो, जहां पर नंबर होगा वहां कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बात समझ आ गई, आप खुद कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछे भी सही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।